आपकी सारी चाहतें मैंने पहले ही बताई थी कि आप आकर कुछ कहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है। आपकी एक चाहत है, एक्चुअली वो रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब का नगमा है, गाया हुआ गीत है। तो अच्छा लगा कि हमारे मेल सिंगर आए और वो गाए, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। लोग मत लगे। वृंदाबन डेकर जी है, हम लोगों के बीच मौजूद हैं, पटना में विवाह कार्यक्रम है, पुरोहित की भूमिका निभा रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? पहले पहले बार हम आए हैं विवाह बनाने के लिए महाराष्ट्र के बाहर। महाराष्ट्र में हम बहुत काम करते हैं, लेकिन शादी के लिए महाराष्ट्र छोड़ के पहले बार है, बहुत अच्छा लग रहा है। महाराष्ट्र में आप विवाह कार्यक्रम में पुरोहित की भूमिका निभा चुकी है, अब मौका मिला है, पटना में एक अवसर मिला है, ये जानना चाहेंगे कि इसके अलावे, महाराष्ट्र के अलावे और कहीं ऐसा मौका अवसर मिला हो कि पुरोहित की भूमिका निभाई हो शादी विवाह के कार्यक्रम में? नहीं, महाराष्ट्र के बाहर नहीं। कैसा लगता है, लोगों से मिलते होंगे, क्या लोगों का रिएक्शन होता है, आप महिला होकर पुरोहित हैं? इधर भी लोगों को अच्छा लग रहा है, एक थोड़ा लोग छोड़ के जो पुरोहित है उनको ही सिर्फ अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी सबको अच्छा लग रहा है। लड़की पक्ष से भी आप ही हैं, लड़का पक्ष से भी आप ही हैं, दोनों पक्ष से आप हैं। गुजरात का एक स्वामी केशवानंद आया है, तो उसने हमको इतना अच्छे तरह से आशीर्वाद दिया, वो बोले ऐसा प्रोनाउंसिएशन और औरत लोगों का हमने कभी नहीं सुना है, लेकिन हमको सुनकर बहुत बड़ी खुशी हुई ऐसा उसने। और द्वारकाधीश का आपका आशीर्वाद है, ऐसा आशीर्वाद स्वामी केशवानंद जी ने हमको दिया। क्या लगता है, बिहार में ये पहली बार हो रहा है, लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे महिला पुरोहित के तौर पर विवाह कार्यक्रम को निर्वाह करना, यहाँ का समाज इसको एक्सेप्ट करेगा? 60% तो करेगा, 100% नहीं करेगा एक्सेप्ट, लेकिन 60% तो करेगा। जैसा कि आपने बताया महाराष्ट्र में आप ये इस तरह का कार्य निर्वाह कर चुके हैं, दायित्व निर्वाह चुके हैं, महाराष्ट्र के अलावे और कहीं मौका अवसर मिला हो इस तरह का शादी विवाह का? नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र में ही आप करते हैं। महाराष्ट्र में पहला मौका संजय पासवान जी की जो पुत्री किया पुत्री का जो विवाह कार्यक्रम है उसमें आप लोग ये करेंगे, और ऐसा लगता है मेरी जानकारी में भी कि बिहार में ये पहला मौका है जब कोई महिला किसी विवाह कार्यक्रम में पुरोहित का दायित्व निर्वाह करेगी, तो ये पहला मौका अवसर है। और क्या कहना चाहेंगे और लोगों को, जो समाज के लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं ये महिलाओं का काम नहीं है, अभी वो पहले से जो पुरोहित जो करते हैं काम पुरुष, तो भी महिलाएं भी करते हैं, और महिलाओं को भी प्रोत्साहन देना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए देना चाहिए। समाज में परिवर्तन तो होना ही चाहिए, समाज में परिवर्तन तो होना ही चाहिए। और ये जो काम हम सब लोग करते हैं ना, तो VHP के विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से ये सब हम काम करते हैं, सीख हम लोग ने सीख लिया और अभी हम लोग अलग को सिखाते हैं। एक ये बात जानना चाहेंगे कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे ये बात आया मस्तिष्क में कि विवाह कार्यक्रम में? 25 ईयर्स पहले ऐसा ही एक प्रोग्राम में गई थी, विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम था दुर्गा वाहिनी का, और इधर एक औरत थी थाना की, वो पौरोहित्य करती थी, तो मेरे को लगा ये करते तो अरे हटो नहीं यार, देखिए देखिए कैसे हैं, राजेंद्र राव की जय हो, चौपाल चौपाल जी राजेंद्र राव से है। हाँ हाँ
Thank you.